एक रेक्टेंगल बॉक्स के रेक्टेंगल बॉक्स के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लोज फिगर इन साइड द रेक्टेंगल और जो हमारी सबसेट होता है उसे हम इन साइड द रेक्टेंगल जो है वो शो करते हैं क्लोज़ फिगर से और इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारी इस सिम्बल से होती है ए बिलोंग्स टू यू यूनिवर्सल सेट थ्रो द वेन डायाग्राम सो डेमस्ट्रेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेशन ऑफ थ्री ओवरलैपिंग सेट थ्रू द वेन डाग्राम अब हम ये देखेंगे कि हम यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो थ्री सेट्स की उसको थ्रू वेन डाग्राम किस तरीके से रिप्रजेंट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं बी और सी सेट का जो यूनियन निकालते हैं उसका यूनियन फाइंड आउट करते हैं ए सेट से फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ए सेट्स में वो कॉमन होते हैं किसी सेट में उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी एंड सी थ्री सेट्स इन फिगर वन सेट बी यूनियन सी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप बी और सी का जो यूनियन है वो रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से और फिर उसका जो है वो सेट ए यूनियन बी यूनियन सी यानी उसका जो आंसर आता है उसका यूनियन फाइंड आउट करते हैं ए सेट से और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल लाइन से यहाँ हमने देखा कि वर्टिकल लाइन सिर्फ हमारे पास ए सेट में है वो इसलिए क्योंकि ए सेट का यूनियन हमने सिर्फ एक बार फाइंड आउट किया है जबकि बी और सी सेट का यूनियन हमने दो बार फाइंड आउट किया है इसलिए इसको हमने डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया है सो यूनियन बी यूनियन सी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डबल लाइंस एंड द सिंगल लाइंस। सेकंड हमारे पास आ जाता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यानी पहले हम B और C का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसका यूनियन फाइंड आउट कर लेंगे ए सेट के साथ तो पहले हमारे पास जैसे हमने देखा फिगर टू में फिगर टू हमारी ये है इसमें हमने B इंटरसेक्शन C को रिप्रेजेंट किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से यानी इन दोनों के दरम्यान में जो भी इंटरसेक्शन आया है जो कॉमन आया है उसे कॉमन हमारे पास इंटरसेक्शन हमेशा ये एरिया आता है जो दोनों में कॉमन होता है

यानी पहले हमने देख बी और सी सेट का जो यूनियन आएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन उसका इंटरसेक्शन ए के साथ फाइंड आउट करेंगे इन फिगर थ्री ये हमारी फिगर थ्री है सेट बी यूनियन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारा बी और सी सेट का जो यूनियन है हम उसे हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे एंड सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिकल लाइन्स और जो हमारे पास उसका आंसर आएगा यानी ए बी यूनियन सी का ए के साथ जो इंटरसेक्शन है उसे हम वर्टिकल लाइन से रिप्रजेंट करेंगे इसीलिए हमारा ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्शन के एरिया को तो ये हमारे पास डबल लाइन इसलिए है क्योंकि ये दोनों का आंसर है यानी ए के इंटरसेक्शन का बी यूनियन सी के साथ नेक्स्ट हमारे पास फ़ोर आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी हमने फिगर फोर है हमारे पास ये वाली फिगर बी इंटरसेक्शन सी जो है उसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करना है बी और सी के इंटरसेक्शन को और उसका जो हमारे पास आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे ए सेट के साथ तो हम हमने ये देखा कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन आया है वो डबल लाइंस है वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है जिसमें वर्टिकल लाइन्स भी आ जाती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन्स भी आ जाती हैं नेक्स्ट आ जाता है वेरीफाई एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थ्रू मैं डायग्राम फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एसोसिएटिव लॉ को रिप्रेजेंट करेंगे सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है और ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं फ़र्स्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे और प्रूफ करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी को लेफ्ट हैंड साइड को हमारे पास ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है वन थ्री फाइव सेवन नाइन टेन बी सेट में जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो है टू फोर सिक्स एट नाइन टेन और सी सेट के एलिमेंट हैं टू थ्री फाइव सेवन एलेवन एंड थर्टीन सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक देखेंगे कि क्या तीनों सेट्स में कोई एलिमेंट्स कॉमन है सो so, वन हम पहले ए का देखेंगे ए में हमारे पास वन एलिमेंट जो है वो बिल्कुल अलग है सो so, हमने उसको ए के नीचे लिख दिया देन हमने देखा कि थ्री जो है वो हमारे पास सी सेट में भी है तो so, इसलिए हमने इसके यूनाइट करके थ्री को यहाँ लिखा थ्री एंड सेवन यानी उनके दरम्या में यूनाइट करके ये इसमें दरमियान में आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वन थ्री फाइव सेवन फ़ाइव सेवन फ़ाइव और सेवन भी हमारे पास कहाँ पे आता है इसी यूनिट में सी में बी और सी के यूनियन में एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाइन एंड टेन जो हमारे साथ यूनाइट हो जाता है बी में क्योंकि बी में बी नाइन और टेन है ये हमने इनकी रिप्रेजेंटेशन कर ली देन हम देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं हम बी और सी का यूनियन निकालेंगे पहले तो हमारे पास आंसर आया है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एंड थर्टीन यानी टू थ्री फाइव सेवन ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं सो so, हमने इसको जो रिप्रेजेंट किया है वो किया है वर्टिकल लाइन से यानी इन तमाम नंबर्स को हम लोगों ने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है सो so, वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करने के बाद नेक्स्ट हमने फाइंड आउट किया है ए यूनियन बी यूनियन सी यानी बी यूनियन सी का जो यूनियन आया है उसका यूनियन निकाला है ए सेट के साथ तो हमारे पास आंसर आया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एंड थर्टीन सो हमारे पास तमाम एलिमेंट्स आ गए हैं जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है वर्टिकल लाइन से सो so, हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास बी यूनियन सी में डब बी और सी सेट में जो है हमारे पास डबल लाइन्स आई हैं क्योंकि ये हमारे पास दो बार जो है आया है पहले हमने बी और यू सी का यूनियन निकाला है वो हमने हॉरीजों वर्टिकल लाइन से रिप्रजेंट किया है और उसके आंसर को यूनियन किया है ए के साथ जिसे हमने हॉर्जोंटल लाइन से रिप्रजेंट किया है नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड को देखेंगे राइट हैंड साइड में हम पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसका यूनियन निकालेंगे सी के साथ सो so ए और बी का यूनियन हमारे पास आया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जो हमारे इस फिगर में शो हो रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है वर्टिकल लाइन से देन जो हमारे पास आंसर आया है उसका यूनियन हमने फाइंड किया है सी सेट के साथ तो सी सेट के साथ यूनियन फाइंड आउट करने से हमारे पास आंसर आया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एंड थर्टीन जो हमारा सेम आया है इन दोनों का मिला के तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से सो so हमने फिगर फोर और सिक्स फाइव और सिक्स से क्या क्लियर किया कि ये दोनों साइज़ एक दूसरे के इक्वल हैं इनके रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि बी और सी सेट में हमारे पास डबल लाइंस हैं और यहाँ पे हमारे पास ए और बी सेट में डबल लाइन डबल लाइंस हैं नेक्स्ट आ जाता है एसोसिएट एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ ऑफ़ इंटरसेक्शन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है फर्स्ट हम हैंड साइड को प्रूफ करेंगे हमारे पास ए सेट में एलिमेंट्स हैं वन थ्री फाइव सेवन नाइन एंड टेन और बी सेट में हमारे पास एलिमेंट हैं टू फोर सिक्स एट नाइन एंड टेन एंड सी सेट में हमारे एलिमेंट्स हैं टू थ्री फाइव सेवन एलेवन एंड थर्टीन सो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम प्रूफ करेंगे सो so हमने इन दोनों में जो कॉमन फाइंड आउट किया इंटरसेक्शन की तो हमारे पास आंसर आया है टू सो हमने टू को रिप्रेजेंट कर दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन से हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट बी इंटरसेक्शन सी यानी हमने इन दोनों के इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन में हमारे पास टू आया है उसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया है एंड देन हमने इन दोनों को आंसर जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया है उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया है ए सेट से तो हमारे पास आंसर आया है नल या एमपी सेट जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है वर्टिकल लाइन से सो so ये हमारे पास यहाँ पे जो एरिया बना है ये इंटरसेक्शन है इन दोनों का सो so ये एमपी आया है बिकॉज हमारे पास आंसर एमपी है नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे ए इंटरसेक्शन बी पहले ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास आया है नाइन एंड टेन जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से देन नाइन एंड टेन का हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया है सी सेट से तो हमारे पास आंसर आया है नल सेट जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है सो so, आया था सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ और हमने इसके आंसर को रिप्रेजेंट किया है वर्टिकल लाइन से सो so हमने क्या देखा कि हमारे पास यहाँ पे भी जो वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका आंसर जो है वो एम्पटी सेट आया है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया क्योंकि आंसर हमारा जीरो है या नल सेट है नेक्स्ट हमने देखा दस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू नल सेट फिगर सेवन और एट से हमने ये क्लियर किया कि ये दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे एंड देन राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो है वन थ्री फाइव सेवन नाइन एंड टेन और बी सेट में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं टू फोर सिक्स एट नाइन एंड टेन और सी सेट में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं टू थ्री फाइव सेवन एलेवन एंड थर्टीन पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे बी और सी का यूनियन निकालेंगे पहले बी और सी का जो यूनियन आया है हमारे पास वो आया है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एंड थर्टीन सो so, हमने देखा कि यूनियन में हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट बी यूनियन सी सो अब बी यूनियन सी का जो हमारा आंसर आया है उसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया है ए सेट के एलिमेंट से तो हमारे पास आंसर आया है थ्री फाइव सेवन नाइन टेन सो थ्री फाइव सेवन एंड नाइन टेन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है वर्टिकल लाइन से सो so, जब हम इनको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास लांटिंग लाइंस आएंगी जो रिप्रेजेंट कर देंगी हमारे आंसर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को जो हमारा ये एरिया है यहाँ पे हमारे पास आंसर इंटरसेक्शन शो हो रहा है नेक्स्ट आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इसे हम प्रूव करेंगे ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास पहले ए और बी सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास आया है नाइन एंड टेन नाइन एंड टेन में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट इससे हमने रिप्रेजेंट किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं देन ए इंटरसेक्शन सी आ जाता है ए इंटरसेक्शन सी जब आप करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा थ्री फाइव सेवन यानी इन दोनों में कॉमन आया है थ्री फाइव सेवन तो थ्री फाइव सेवन को भी हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है वर्टिकल लाइन से ये हमारी वर्टिकल लाइन है तो ये हमने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करने के बाद स्लॉटिंग लाइन जो है वो हमारी रिप्रजेंट करी है इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यानी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया है उसका हमने यूनियन किया है यू के साथ इन दोनों का यूनियन करके जो आंसर आया है, उसे हमने स्लांटिंग लाइन से रिप्रेजेंट किया है सो तो हमने आंसर देखा तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है ये एरिया हमारे पास इन दोनों का यूनाइशन इन दोनों को यूनाइट कर रहा है सो so हमने फिगर नाइन और टेन से क्या देखा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी से हैंज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होल्स नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन अब हम देखेंगे कि यूनियन का जो है वो यूनियन लॉ ऑफ यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन पे कैसे प्रूव होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सेक्शन सी है पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे एंड देन राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो है वन थ्री फाइव सेवन नाइन एंड टेन बी सेट में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो है टू फोर सिक्स एट नाइन टेन और सी सेट के एलिमेंट्स हैं टू थ्री फाइव सेवन एलेवन एंड थर्टीन हमने पहले इनकी रिप्रेजेंटेशन कर ली देन लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे बी इंटरसेक्शन सेक्शन सी का आंसर हमारे पास आया है टू सो हॉरीजोंटल लाइन रिप्रेजेंट बी इंटरसेक्शन सी तो हॉरीजोंटल लाइन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया बी इंटरसेक्शन सी से बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास आंसर आया है टू इसे हमने हॉरीजोंटल लाइन से रिप्रजेंट किया एंड वर्टिकल लाइन्स A यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो हमारी वर्टिकल लाइन्स हैं वो हमारे बताएँगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के आंसर को द स्लांटिंग लाइन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और जो हमारी स्लांटिंग लाइन होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से ये हमने पिक्चर के थ्रू देख लिया नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी तो यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में ए सेट का हम यूनियन निकालेंगे जो आंसर आया है बी इंटरसेक्शन सी का उससे तो हमने जब उसका आंसर निकाला तो हमारे पास आंसर आ गया है वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन एंड टेन तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है ए यूनियन बी इंटाइट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन को तो हमने रिप्रेजेंट किया तो ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई है सो दिस इज ऑल फॉर टू लेसन वी विल राइट बैक अदर वीडियो